इस लेसन में हम चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है इंटीग्रल ऑफ डीएक्स डिवाइडेड बाय 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको पता है जब मैं इंपॉर्टेंट कहती हूं तो इट मींस कि आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है 10 टाइम्स ताकि आपको बिल्कुल अच्छी तरह आ जाए। तो क्या होगा, देखें, ये तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, हमें पॉलिनोमियल दिया गया है, हमने इसको अरेंज करना है, इसको विद रिस्पेक्ट टू डिग्री लिखना होता है, पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे फिर एक्स फिर कॉन्स्टेंट आना चाहिए। तो हम इसको अरेंज करते हैं एक स्टेप में, जो कि हमारे पास हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस सेवन। अब क्या है, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स, जो फर्स्ट टर्म है इसकी माइनस, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए तो इसके लिए कोई मसला नहीं है, माइनस साइन को कॉमन लेते हैं, ये रह गया एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस सेवन बन गया। कितना सिंपल हो गया, राइट। अब यहां पे हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर से सॉल्व करना है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लेना है। याद रहे कि इसको हम और तरीके से भी कर सकते हैं लेकिन ये एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूट मेथड से होनी है, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये कैसे होगा सब्स्टिट्यूट मेथड से। डी एक्स इसका हम पहले परफेक्ट स्क्वायर लेंगे, न्यूमिरेटर में आपने एज इट इज ये लिखें और जो आपने हमने माइनस साइन कॉमन लिया है उसका बहुत ख्याल रखना है कहीं ये मिस ना हो जाए। कैसे होगा परफेक्ट स्क्वायर, पहले वाले का स्क्वायर यानी ये एक्स स्क्वायर, फिर होगा आपके पास प्लस टू, ए की जगह आपके पास है एक्स, बी आपको नहीं मालूम लेकिन बहुत इजी है, बी की जगह आपने एक ऐसा नंबर लिखना है कि जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करें 2ab को तो 6x आ जाए, तो 2 3 टाइम्स 6 होता है, आपको पता चल गया। अब देखें ये 3 क्वेश्चन में नहीं था बी, हमने खुद इसको लिखा है इसलिए इसका स्क्वायर हम प्लस स्क्वायर को हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से टेक्निकली ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे माइनस सेवन भी मौजूद है। अब क्या होगा, किस चीज का ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ये बन गया हमारे पास एक्स, देखिए पहले का स्क्वायर किया था और हमने इसका स्क्वायर किया था, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर। इसके अलावा माइनस थ्री होल स्क्वायर और सेवन आपके पास एज इट इज मौजूद है, अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर तो ये इसके ही इक्वल आएगा, राइट। अब क्या हो गया, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स माइनस एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर, ये एक्चुअली इन दोनों के बाहर है, राइट, तो ये हो जाएगा माइनस नाइन माइनस सेवन, और फिर ये हो गया हमारे पास डी एक्स माइनस कॉमन है हमारे पास x प्लस थ्री होल स्क्वायर माइनस सिक्सटीन, और माइनस सिक्सटीन अब मैं आगे चलती हूँ, ये फोर का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। कैसे हो जाएगा ये फोर का स्क्वायर, ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ डी एक्स माइनस एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर माइनस फोर होल स्क्वायर। अब देखें ये माइनस जो है ये इसको भी मल्टीप्लाई करेगा, इसको भी मल्टीप्लाई करेगा, इसको करेगा माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू फोर स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया, ये हो गया माइनस एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर। यहां पे देखें अब आप डायरेक्ट भी इसका आंसर लिख सकते हैं जो कि इक्वल होगा साइन इनवर्स वेरिएबल डिवाइडेड बाय कांस्टेंट मींस x प्लस थ्री डिवाइडेड बाय फोर सी प्लस सी, राइट। लेकिन क्या है कि ये एक्सरसाइज अपने सब्स्टिट्यूट मेथड से करनी है, तो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट अब जाके लगाएंगे, तो हम सपोज टी कर लेते हैं कि ये x प्लस थ्री के इक्वल है, तो डी टी बाय डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, डी टी बाय डी एक्स इसका डेरिवेटिव क्या है वन और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव होता है जीरो, तो डी टी किसके इक्वल हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई करने से डी एक्स के, तो जहां हमारे पास ये डी एक्स है वहां हम डी टी लिख देंगे, क्या हो जाएगा डी टी डिवाइडेड बाय
4 square minus x plus t ko humne kaha tha ye t hai, ye ho jayega t square. Right, ab humne yahan pe ek aur dafa suppose karna hai ke t is equal to 4 sine of theta. To d t divided by d theta is equal to 4 cos theta. Cross multiply karein, dt is equal to 4 cos of d or dt, d theta. Right, dekhen, yahan se ek important part shuru hua hai, jab humne square kar liya, aapne isko suppose karna hai, ke t is equal to x plus 3, iska derivative liya, isme humne values put ki, again, kyunki yahan pe iska solution nahi ho sakta, isliye humne isko phir suppose karna hai, aur dt, ab dt ki jagah humare paas aagya, 4 cos theta d theta. राइट आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे मैं कर देती हूं देखें इस dt की जगह मैं ये लिखूंगी 4 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर की जगह 4 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा लिखा जाएगा कैसे होगा अब ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया लास्ट क्वेश्चन भी हमने बिल्कुल इसी पैटर्न पे किया था cos थीटा d थीटा लेकिन मैं आपको यहां भी सारे स्टेप करके दिखाऊंगी ताकि कोई कंफ्यूजन बाकी ना हो कि इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो गई ये हो गया 4 स्क्वायर माइनस 4 square sine square theta 4 cos theta d theta इसमें से हमने 4 square common निकाल लिया अंदर हमारे पास हो गया 1 minus sine square theta जो के equal होता है cos theta के right cos square theta तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय cos स्क्वायर थीटा ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया ये इससे ये कैंसिल हो गया हमारे पास आ गया 4 cos थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय 4 cos थीटा 4 से 4 कैंसिल हुआ cos थीटा कैंसिल हुआ हमारे पास रह गया d थीटा 1 d थीटा और इसकी इंटीग्रेशन होगी थीटा प्लस c अब हमें थीटा की वैल्यू चाहिए कि क्या है थीटा की वैल्यू तो थीटा की वैल्यू यहां से आएगी कि थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास sin इनवर्स t ओवर 4 यहां से थीटा की वैल्यू आएगी थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स t ओवर 4 तो देखें यहां लिख दें sin इनवर्स t ओवर 4 प्लस c लेकिन t को हमने यहां सपोज किया था x प्लस 3 तो यहां आपने लिखना है sin inverse x plus 3 over 4 plus c 2 times हमने यहां suppose किया था इस question में last question की तरफ की तरह तो answer में भी आपने दो दफा इसकी value लगानी है यहां हमने कहा था t is equal to x plus 3 यहां था t is equal to 4 sin theta यहां से theta की value आएगी तो theta is equal to sin inverse t over 4 लेकिन हमें question तो जिस variable में दिया है उस variable में ही हमने उसको बताना है यहां x में पूछा गया है तो हम t में उसका आंसर नहीं दे सकते इसलिए उसकी वैल्यू फिर लगाएं और ये इसका आंसर है लेंथी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप इसकी प्रैक्टिस करें बहुत इजी हो जाएगा और देखने का शुक्रिया